569वां कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ सावलिया सेठ के दर्शनार्थ उमड़ी, लेकिन शासन प्रशासन के इंतजाम पूरी तरह फेल नजर आए। निम्बा हेड़ा से दर्शनार्थियों के लिए परिवहन विभाग ने बसों की सुविधा प्रारंभ नहीं की, जिसके कारण ऑटो वालों की पोबारा हो गई। 70-70 रुपए प्रति यात्री से वसूल किए गए। दूसरी ओर रेलवे प्रशासन ने भी चित्तौड़ निम्बेड़ा में यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधा मुहैया नहीं कराई। गौरतलब है कि सवारिया सेठ का मंदिर और उसके चमत्कार लीला विश्वविख्यात हैं। यहां मंदिर के गुंबद पर 52 किलो सोने का कलश चढ़ा हुआ है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इन अव्यवस्थाओं के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या सख्त कार्रवाई करेंगे और राज्य सरकार सावरिया सेठ खाटू श्याम मंदिरों में दर्शनार्थ जाने वाले यात्रियों के सुगम सुविधा के लिए क्या अतिरिक्त बसों का संचालन करेगी, यह मुद्दा अभी प्रश्नवाचक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मीडिया टुडे।